कि आप हरियसे होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर गोश्त। उसके लिए हमें मैंने देसी में घी डाल लिया है और उसमें ये प्याज मैंने ब्रीक कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। प्याज, अदरक और लहसुन मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो ये हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसके अंदर डालते हैं। और इसको हमने ब्राउन कर लेना है। प्याज को, लहसुन और अदरक को हमने भून लेना है। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, इसमें हम गरम मसाला साबुत डाल देंगे। इसमें हमने 6-7 टमाटर लिए हैं, उसकी प्यूरी तैयार की है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें नमक हाफ से थोड़ा ऊपर, आप जितना पसंद करें उतना डाल लें। मिर्च की 1 चम्मच, सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ये हमने इसके अंदर सारा कुछ डाल दिया है। इसमें हम ये गोश्त के पीस भी डाल देंगे, चिकन है, ये चिकन हम इसमें डाल देंगे ताकि ये हमने इसके अंदर चिकन भी डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह गल भी जाए और साथ में यह भूज जाएगी। ये हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये टमाटर गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और मैं इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल देंगे। इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। ये हम टमाटर रख देंगे इस पे। इसमें हम थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। ये हमारा टमाटर गोश्त तैयार हो गया है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो हमारी आज की रेसिपी तैयार है, टमाटर गोश्त। ये बहुत मज़े का, बहुत यमी बनता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।